गौशाला निर्वाचन ऐसी जगह पे करें जहाँ पे काफ़ी मात्रा में धूप आता है, छाया ना रहे और पानी ना जमे। पहले जो चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए, हमें सटीक जात निर्वाचन या सटीक वैरायटी हमें कौन सा लगाना चाहिए। संस्था ने बहुत अच्छे अच्छे किस्में भी निकाले, जैसे हम हाइब्रिड की बात करते हैं, जो लंबा हाइब्रिड है, पूसा हाइब्रिड 5 है, पूसा हाइब्रिड 20 है, और गोल की हाइब्रिड की बात करते तो पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, और ओपी वैरायटी जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी जिसमें अब लंबा में जैसे पूसा श्यामला है, पूसा कौशल है, पूसा क्रांति है। बीज शोधन करने के लिए जो किसान भाई इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, उसके लिए मैं बताऊंगा 2 ग्राम कैप टन प्रति किलो बीज के बीज में उसको 15 से 20 मिनट कभी मिक्स अच्छी तरह मिक्स करके उसे छाया में रख दे। और जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं वो ट्राइकोडर्मा वेरिडी से भी अपने बीज को शोधन कर सकते हैं। बीज शोधन करने के बाद आप जो नर्सरी का तैयारी कैसे करें, और नर्सरी बेड का जो लंबाई होना चाहिए कम 3 मीटर, और उसका जो चौड़ाई है 60 से 1 मीटर भी होना चाहिए, और दोनों जो बेड है उसके बीच में 60 से 1 मीटर की दूरी होना आवश्यक है, जिसमें आप अंतर्वर्ती जो परिचर्या आप कर सकते हैं उसके लिए आपको सुविधा होगा अभी। और जो जो नर्सरी बेड का जो लंबा जो उच्चता जो होना चाहिए वो कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके बाद 5 किलो गोबर की खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा वेरिडी कम से कम 10 से 15 दिन पहले अच्छी तरह आप मिक्स करके उसको छाया में रख दे, जहाँ पे आप बाद में वो जो मिक्सचर है उसको आप ही अच्छी तरह आप मिट्टी में मिला सकते हैं। और इसके लिए आपको जो सरे गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा का जो मिक्सचर है उसको अच्छी तरह मिला दे और अपने बेड को लेवलिंग कर दे। इसके बाद आप हाथों से या कहीं भी छोटा सा लकड़ी से आप लाइन खींचे, और एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, जो लाइन की जो गहराता है या तो 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, और दो जो लाइन है उसके बीच में 5 से 6 सेंटीमीटर दूरी होना चाहिए। अभी लाइन खींचने के बाद आप बीज को अच्छी तरह बुआई कर दे। बिजाई होने के बाद आप सूखी घास से अपने बेड को अच्छी तरह ढक दे और उसमें फुहारा से अच्छी तरह पानी दे दे। और 4 से 5 दिन बाद ही आप देखेंगे पौधा आना शुरू हो जाता है, जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, और जर्मिनेशन होने के तुरंत बाद ही आप जो घास है उसको हटा दीजिए और 2 ग्राम कैप टन 1 लीटर पानी में मिलाकर उसको अच्छी तरह ड्रेंचिंग कर दे। और इसके बाद गुराई भी कर दे जिसमें पौधा की अच्छा ग्रोथ बनी रहे। कम से कम 30 से 35 दिन बाद आप देखेंगे अब पौधा आप तैयार हो जाता है। एक चीज़ आप ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बरसात की मौसम होने के कारण उसमें बोरर जो हम फ्रूट एंड शूट बोरर या तो फल या कांड छेदनकारी जो कीड़ा आता है इसका प्रकोप बहुत आता है। और अभी इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप जो बाजार में फेरोमोन ट्रैप मिलता है उसको कम से कम 10 बेड में 1 से 2 फेरोमोन ट्रैप आप लगा दीजिए। और अभी वायरस का भी प्रॉब्लम आता है इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जो येलो स्टिकर है उसको आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप स्पाइनोसेट करके एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है वो भी 3 से 4 ml प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर उसको स्प्रेइंग भी कर सकते हैं।